हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हमारी इकोनॉमी मंथ इकोनॉमी की PT 365। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, सस्पेंशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इस कोड को पैंडेमिक को देखते हुए अभी जैसे कि बहुत ज़्यादा लॉकडाउन कंटिन्यूसली लगाया गया था, तो बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंपैक्ट हुए थे और बहुत सारे कंपनीज़ को कहीं ना कहीं लॉस हुआ था। तो इसलिए ये देखते हुए ये जो कोड है जिसमें कि ये देखा जाता है कि कोई भी कंपनी अगर इंसॉल्वेंट हो रही है, डेट में जा रहे हैं, बैंकरप्ट हो रहे हैं, दिवालिया हो रही है, तो उसको रोका जाता है, उनको रिजॉल्व किया जाता है। तो उस चीज़ को यहाँ पर अभी कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो IBC की है। तो सबसे पहले ये समझिए कि इसके अंदर आते कौन कौन हैं। कोई इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, कोई कंपनीज भी हो सकता है, या फिर कोई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी हो सकता है जो कि लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है, बहुत बड़ी कंपनी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे लोगों को यहाँ पर देखा जाता है कि अगर कोई इंडिविजुअल इंसान भी यहाँ पर दिवालिया हो रहे हैं, उनकी ह्यूज डेट में वो जा रहे हैं, तो उसको भी यहाँ पर रिजॉल्व किया जाता है, और कोई कंपनी या फर्म्स भी अगर ह्यूज डेट में जा रही है तो उसको भी यहाँ पर रिजॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पे एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी है। कहने का मतलब है कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो उसको देखने के लिए यहाँ पे बकायदा ट्रिब्यूनल है, वो भी अलग अलग दो ट्रिब्यूनल है। एक है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है जो कि कंपनी से रिलेटेड और जो लिमिटेड यहाँ पे लाइबिलिटीज़ पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट अराइज़ होते हैं और जो भी मसला रहता है ना, वो इस ट्रिब्यूनल में देखा जाता है। साथ ही इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है। ठीक है, उसके बाद आप देखो कि जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को ये कोई भी स्टेक होल्डर के द्वारा स्टार्ट किया जा सकता है, जैसे कि उस कंपनी के अगर कोई एम्प्लॉयर है या फिर कोई क्रेडिटर है, कोई डेप्टर है, कोई फर्म है, तो किसी के द्वारा भी रिजोल्यूशन प्रोसेस को स्टार्ट किया जा सकता है। और अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को ये लगेगा कि हाँ ये प्रोसेस एकदम सही है, तो फिर वो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल या फिर IP को वो यहाँ पर अपॉइंट करते हैं, जिनको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी कहते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है जो कि यहाँ पे एक मिनिमम क्वालिफिकेशन सेट करती है कि जैसे कि कोई भी कंपनी को किस क्राइटेरिया में कहा जाएगा कि हाँ ये ह्यूज डेट में चले गए या फिर इनका दिवालिया होने वाला है, तो किस बेसिस पे कहा जाता है। तो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि यहाँ पे गवर्निंग बॉडी जो है ना, इस तरीके का इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज़ को लेकर आए और ये देखे सारे कंपनीज़ को। साथ ही ये जो बोर्ड है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, रेगुलेटरी ओवरसाइट आप देखो तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है यहाँ पे, जिनको IP कहा जा रहा है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज है और कुछ इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ भी हैं। इन सब से मिलकर ये आपका इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया बना है। ये जो पावर है यहाँ पे इसको मैनेज करने का, और जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ द फर्म जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर करती है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को, जिसमें कि सारे फिनेंशियल क्रेडिटर्स भी होते हैं कॉर्पोरेट डेप्टर के। और ये जो यहाँ पे इंफॉर्मेशनल यहाँ पे आपका जो IP है, इंसॉल्वेंसी जो प्रोफेशनल है, उनके द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि क्या कंपनी जो है ना उसको या तो रिजॉल्व किया जा सकता है या फिर लिक्विडेट किया जा सकता है। वो यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि उसको रिवाइव करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है, और वो यहाँ पे पार्टी चूज़ करते हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से एक रिजोल्यूशन प्लान लेकर आएंगे, और वो यहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ क्रेडिटर होते हैं ना उनको यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है, और इस तरीके के फर्म्स को बेटर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। इस कानून में ये भी प्रिस्क्राइब किया गया है कि जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस है ना, वो 180 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। इट मींस कि विद इन 6 मंथ ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम आ गई है और इसको एक्सटेंड करना है, तो अनदर ये 90 डेज, इट मींस कि और 3 महीने का यहाँ पे एक्सटेंड किया जा सकता है अगर केस बहुत बड़ा है या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स है। और ये डिसीजन जो है ना, टाइम फ्रेम में अगर नहीं होगा तो फर्म को फिर लिक्विडेट कर दिया जाएगा, यानी कि जो भी उस फर्म के लिए सही होगा वो चीज़ें कर जो है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। वाटरफॉल मैकेनिज्म अगर हम लोग देखें, एक वाटरफॉल बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंदर। तो ये मैकेनिज्म जो आपको देखने को मिलेगा, इसके अंदर बात रखी जाती है कि प्रायोरिटी देना यानी कि जो सिक्योर्ड फिनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनको अनसिक्योर्ड फिनेंशियल क्रेडिटर के ऊपर जो है एक प्रायोरिटी दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, व्हाट इज़ वाटरफॉल मैकेनिज्म, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है UPSC प्रीलिम्स में। तो ये क्या होता है कि जो एक सिक्योर्ड फिनेंशियल क्रेडिटर है, जैसे कि हमारे कोई कंपनी है जिसकी ज़्यादा घाटे में नहीं है और एक कंपनी है जो कि बहुत ह्यूज डेट में है, तो बहुत ज़्यादा जिनका बहुत ज़्यादा कर्जा है उसका बहुत दिक्कत है कि कहीं ना कहीं उनका कर्जा वापस करने में और उसको रिजॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन जिसमें कम कर्जे हैं तो वो एक सिक्योर्ड कहा जा सकता है कि हाँ उसकी कर्जे को जो है ना वापस से रिजॉल्व किया जा सकता है, जो भी उनका लोन वगैरह है वो सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं शॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो इसी को वाटरफॉल मैकेनिज्म कहते हैं। उसके बाद अगर हम आए यहाँ पे,
और इसमें ये भी कहा गया है कि अगर कोई कंपनी जो है लिक्विडेटेड हो जाती है तो जो सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर है ना उनको पहले पे करना है फुल एक्सटेंट ऑफ देयर एडमिटेड क्लेम, जितना वो क्लेम कर रहे हैं उनको सबसे पहले जो है पे करना है। तो ये कहा जा रहा है इसके तहत। कुछ रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। यहाँ पे प्री पैक है, यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंदर एक प्री पैक वर्ड है। तो ये है क्या, रिपोर्ट के हिसाब से बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे आईबीसी को अमेंड कर रही है और साथ ही साथ यहाँ पे प्री पैक एज ए रिजोल्यूशन मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अगर प्री पैक की बात करें तो प्री पैक कहने का मतलब है कि एक एग्रीमेंट है वो भी डेट को रिजॉल्व करने के लिए, जो भी कर्जा है उसको रिजॉल्व करने के लिए और उस कंपनी से जहाँ पे कर्जे बहुत ज़्यादा है, एक तरीके का एग्रीमेंट किया जाएगा सिक्योर्ड क्रेडिटर और इन्वेस्टर्स के बीच में। ना ही यहाँ पे पब्लिक बिडिंग प्रोसेस चलेगा, यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट किए हैं इस कंपनी में और जो क्रेडिटर हैं तो इन दोनों के बीच में जो है एक अच्छा खासा एग्रीमेंट किया जाता है जिसको हम लोग प्री पैक कहते हैं। प्री पैक में क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पे कंपनी को कंट्रोल करती है, जो मैनेजमेंट रिटेन्स कंट्रोल ऑफ द कंपनी, और जब तक ये फाइनल एग्रीमेंट नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे ये जो है चलता है। इसके अंदर आप देखोगे तो कंट्रोल को यहाँ पे ट्रांसफ़र भी किया जाता है, जो इनकम्पेंट मैनेजमेंट है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का, तो वो यहाँ पे इनको ट्रांसफ़र भी किया जाएगा अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसरप्शंस बिजनेस में निकल कर आता है। तो सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि व्हाट इज़ प्री पैक। तो प्री पैक होता है कि एक एग्रीमेंट करने ला, यानी कि रिजोल्यूशन जब से स्टार्ट होता है तो जो इन्वेस्टर जो उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और जो क्रेडिटर होते हैं उस कंपनी के, वो यहाँ पे उनके बीच में एक एग्रीमेंट कर लेना। और यहाँ पे इंक्यूमेंट जो मैनेजमेंट होते हैं वो यहाँ पे क्या है कि पूरा तरीके से वो कंपनी को कंट्रोल करेंगे जब तक ये रिजोल्यूशन फाइनल तक ना पहुंच जाए। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही साथ आईबीसी और सरफेसी एक्ट में अगर हम लोग डिफरेंस देखें, क्योंकि सरफेसी एक्ट 2002 से ही चलते आ रहा है, तो जब एक कानून हमारे पास है तो फिर इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड 2016 में लाने की क्या ज़रूरत थी, ये आपको दिमाग में आ सकता है। तो यहाँ पे आंसर ये है कि सरफेसी एक्ट में आप देखो तो सिर्फ यहाँ पे सिक्योर जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स थे उनको ही यहाँ पे कवर किया जाता था कि ठीक है, ऐसा लगता है देख के कि अच्छा इस कंपनी की जो डेट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको रिकवर किया जा सकता है, तो बस उसी कंपनी को यहाँ पे होल्ड करके रखा जाता था, उसी कंपनी की केसेस ली जाती थी, बाकी और सारे कंपनीज की केसेस नहीं ली जाती थी। बट अब इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड में क्या हुआ कि जो अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर है ना उनको भी यहाँ पे कॉन्फिडेंस में लेने की बात की गई और उनकी भी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया जाने लगा। साथ ही अगर हम लोग सरफेसी एक्ट में देखें तो इस कानून के अंदर जो पावर है ना वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, खुल के ये काम नहीं करते, लेकिन वही चीज़ आप देखोगे तो यहाँ पे इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में यहाँ पे पावर दिया गया है काफ़ी स्टेक होल्डर्स वगैरह को भी। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि जो सरफेसी एक्ट में क्या था तो DRT ही था, सिर्फ डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ही था जो कि सबको देखता था, चाहे वो इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, या फिर आपका कोई पार्टनरशिप फर्म हो, सबकी केसेस ये सिर्फ एक ट्रिब्यूनल ही देखता था। बट यहाँ पे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में क्या हुआ कि दो ट्रिब्यूनल बनाया गया, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि केसेस कितने निकल कर आते हैं। तो बाकायदा यहाँ पे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बनाया गया जो कि यहाँ पे कंपनी से रिलेटेड और जो इंडिविजुअल से रिलेटेड जो भी डेट की प्रॉब्लम होगी उसको रिजॉल्व करेंगे। और यहाँ पे जो DRT है इसके अंदर आपका यहाँ पे कंपनीज और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को देखा जाएगा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और DRT के अंदर इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म को देखा जाएगा। तो ये तीन डिफरेंस है जो कि आपको सरफेसी एक्ट होते हुए भी हमें जो है नया कानून का ज़रूरत पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ NPA की इशू बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, तो वो बात भी अलग है, लेकिन कंपनी बहुत ज़्यादा डूब जा रही थी, घाटे में जा रही थी, और यहाँ ऐसा कुछ पता भी नहीं चल रहा था। तो ये सारा काम हो रहा था जिसको ओवरकम करने के लिए इस तरीके की यहाँ पे पॉलिसी लाई गई। अब आगे बढ़ने से पहले कल जो हम लोग क्वेश्चंस देखे थे उसके कुछ आंसर देख लेते हैं, और कुछ क्वेश्चंस आप लोग के लिए, क्योंकि डेली आप लोग को भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए तो एक आइडिया जनरेट हो जाता है कि हाँ UPSC किस तरीके से क्वेश्चंस पूछती है और कौन सी टॉपिक उनके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 2011 की ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि क्या यहाँ पे वैल्यू एडेड टैक्स का फीचर्स नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि मल्टी पॉइंट डेस्टिनेशन बेस्ड सिस्टम ऑफ टैक्सेशन है, यस इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। वैट कहने का मतलब है कि जब टोमेटो से टोमेटो केचप बन जाता है तो इसमें आपका जो भी प्रोसेस होता है तो ये आपका मल्टी डेस्टिनेशन टैक्स लगता है, एक ही साथ टैक्स नहीं लगता, हर एक स्टेज में टैक्स लगता है, और साथ ही जितना भी वैल्यू एडिशन होते रहता है हर एक स्टेज में तो उस हिसाब से यहाँ पे टैक्स लगते जाता है। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि बेसिकली ये आपका सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का ही सब्जेक्ट है और यहाँ पे सिर्फ इन्हीं को फैसिलिटेट किया गया है कि सक्सेसफुल इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सके। बट यहाँ पे कहा जा रहा है सी स्टेटमेंट में कि ये टैक्स है जो कि फाइनल कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में लगता है और अल्टीमेटली ये कस्टमर के द्वारा ही बॉन्ड किया जाता है। तो ये गलत है कि फाइनल कंजप्शन में नहीं लगता, ये हर एक स्टेज में लगता है, तो यहाँ पे गलत पूछा जा रहा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अब आगे आते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कमर्शियल बैंक को रेगुलेट किया जाता है, बस किस किस मैटर में रेगुलेट किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में।
एसेट को लिक्विडेट करने के लिए, ब्रांच एक्सपेंशन करने के लिए, या फिर बैंकों को मर्ज करने के लिए, या फिर बैंक को वाइंड अप करने के लिए। तो ये सारे ऐसे यहाँ पे फीचर्स हैं जो कि यहाँ पे आप देखोगे कि आरबीआई के द्वारा कमर्शियल बैंक को रेगुलेट किया जाता है। तो ये चारों बिल्कुल सही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आज के लिए आपका है, 2011 में पूछा गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ ये यूजुअली कपल्ड विथ, किसके साथ कपल्ड किया जाता है? डिफ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, स्टैगफ्लेशन हो गया, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, तो कौन सी यहाँ पे करेक्ट है ये आपको बताना है। नेक्स्ट है कि 2012 में पूछा गया कि इनमें से कौन सी फॉलोइंग है जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड किया जाएगा। तो फर्स्ट है कि सब्सिडरीज ऑफ कंपनी इन इंडिया, सेकंड है कि मेजोरिटी जो फॉरेन इक्विटी होल्डर है वो भी इंडियन कंपनीज में, थर्ड है कि कंपनीज जो कि एक्सक्लूसिवली यहाँ पे फॉरेन कंपनीज के द्वारा फाइनेंस किया जा रहा है, या फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे चारों में से आपको बताना है कि कौन कौन सा यहाँ पे मैटर है जो कि आपका एफडीआई के अंदर आता है। तो अब चलते हैं हम लोग अपने आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट है हमारा प्रोविजनिंग ऑफ लोन। तो ये प्रोविजनिंग ऑफ लोन है क्या? आरबीआई के द्वारा रिसेंटली यहाँ पे एक सर्टिफिकेशन क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड किया गया है, स्पेशल प्रोविजनिंग ऑफ लोन, जो आप देखते हो कि स्पेशल मेंशन किया जाता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे लोन के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजनिंग रखा गया है, और ये अंडर मोरेटोरियम के लिए, तो मोरेटोरियम के अंदर है, यानी कि कुछ दिन के लिए स्टे लगाया जाता है। तो अभी क्या है कि आरबीआई के द्वारा ये स्टिपुलेट किया गया है अप्रैल में कि लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस जो है वो यहाँ पे 10% प्रोविजनिंग देंगे, वो भी लोन के ऊपर, यानी कि 5% जो है फेस ओवर दिया जाएगा 2 quarters में। तो 1 quarter कितने मंथ का होता है? 3 months का होता है। तो यहाँ पे हर 2 quarter में कहा गया है कि यहाँ पे 5% का यहाँ पे प्रोविजनिंग दिया जाएगा लोन के ऊपर, और जो भी ओवर ड्यू रहेगा बट नॉट येट एनपीए, यानी कि ओवर अभी तक ड्यूज है लेकिन वो एनपीए नहीं हुआ है, ड्यूज़ है यानी कि जब तक आपका लोन का रिपेमेंट करने का टाइम है तब तक उसको ड्यूज़ कहते हैं, जब तक आप नहीं करो, लेकिन एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर 180 days, 90 days, अभी हम लोग देखेंगे कि क्राइटेरिया क्या क्या होता है लोन का, जिसको हम लोग एनपीए रेफर कर देते हैं। तो एनपीए नहीं हुआ हो लेकिन आपका अगर ड्यू है तो उसमें आपको 10% का प्रोविजनिंग दिया जाएगा, और इस यहाँ पे आपका जो है मोरेटोरियम को अप्रूव करना चाहिए, यानी कि अगर किसी को लोन रीपेमेंट करना है तो उसको थोड़ा स्टे लगा देना चाहिए, क्योंकि अभी कोविड-19 के टाइम आप देखे हो कि काफ़ी लोगों को काफ़ी तरीके की परेशानी हुई है, तो जिसका लोन रीपेमेंट करने का टाइम है उसको भी यहाँ पे छूट दिया गया है। इस लोन प्रोविजनिंग के अंदर अगर हम लोग देखें तो बैंक को यहाँ पे एक सेट असाइड करना पड़ता है, यानी कि कितना अर्निंग है या फिर कितना फंड यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड, उनके जो परसेंटेज है बैड असेट का उनका यहाँ पे बताना होता है। इट मीन्स कि लोन प्रोविजनिंग कहने का मतलब है कि कोई बैंक है, जैसे कि आप देख लो कि कोई भी इंडियन बैंक ही ले लो, उनका बैड एसेट कितना है, ऐसे एसेट जो कि लोन के फॉर्म में दे दिया गया लेकिन अभी तक वापस नहीं आया, तो उसका जो परसेंटेज निकाला जाएगा ना, तो उतने फंड जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही प्रोविजनिंग नॉर्म्स जो है ये आरबीआई के द्वारा लाया गया था क्लैरिफिकेशन के लिए, जैसे कि अगर नॉर्मल प्रोविजनिंग ऑफ एनपीए देखें तो ये 15% है जितने भी सिक्योर्ड लोन है। सिक्योर्ड लोन कहने का मतलब है कि वो सारे लोन जो कि वापस आ जाएंगे, और अनसिक्योर्ड लोन है तो उसके ऊपर 25% है। इसका मतलब ये है कि अगर 100 करोड़ का लोन यहाँ पे एनपीए हो जाता है और सब स्टैंडर्ड हो जाता है तो एटलीस्ट 15 करोड़ जो है ना वो यहाँ पे बैंकों के पास आ जाएगा इस प्रोविज़न के थ्रू। तो ये चीज़ आप समझिए कि 100 करोड़ से 5% जो है वो यहाँ पे सरकार के, 15% जो सिक्योर्ड लोन है, यानी कि 15% जो है 15 करोड़ यहाँ पे बैंकों के पास वापस आ जाएगा। आरबीआई के द्वारा भी यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है कि जो प्रोविजनिंग है वो यहाँ पे सिर्फ लोन दिया जाएगा वो सारे कैटेगराइज को जिसको कि स्पेशल मेंशन अकाउंट के अंदर रखा गया है। अब स्पेशल मेंशन अकाउंट 3 तरीके के होते हैं, जैसे स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 हो गया, तो यहाँ पे आप देखो कि प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट पेमेंट या फिर पार्टली या फिर मंथली ड्यू है 30 दिन तक, तो उसको हम लोग जो है ना यहाँ पे स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 कहते हैं। स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 भी होता है जहाँ पे 60 दिन तक अगर ड्यू है, और 2 होता है जहाँ पे 90 दिन तक ड्यू है, यानी कि 3 महीने तक ड्यू है, तो ये उसी के ऊपर ये प्रोविजनिंग लगाया जाएगा। स्पेशल मेंशन अकाउंट क्या होता है? एक तरीके का अकाउंट होता है जो कि एक एग्जिबिटिंग साइन देता है किसी भी तरीके का स्ट्रेस का, कि अब यहाँ पे जो है एक तरीके का स्ट्रेस आने वाला है, यानी कि जो बैंकों के द्वारा लोन दिया गया है तो वो भी समझ जाते हैं कि कितना लोन बैंकों को वापस आएगा कितना नहीं आएगा, तो जो ये समझ में आ जाता है कि अब इतना लोन वापस नहीं आने वाला है तो एक तरीके का साइन देता है कि अब स्ट्रेस अराइज होने वाली है, तो उसको हम लोग एक स्पेशल मेंशन अकाउंट में रख देते हैं। तो ये 3 तरीके का अकाउंट बनाया जाता है कि जिसमें कि लोन वाले को ये एक क्राइटेरिया दिया जाता है कि 30 दिन में वापस कीजिए, 60 दिन में दीजिए, 90 दिन में दीजिए। एसेट क्लासिफिकेशन अगर हम लोग देखें एज़ पर द आरबीआई, तो सबसे पहले जो है एसेट को स्पेशल मेंशन अकाउंट में ये क्लासिफाई करते हैं। दूसरा है कि एनपीए है, यानी कि जो लोन जो है बहुत काफ़ी दिनों तक नहीं वापस पहुंचा, 90 दिन के बाद भी नहीं पहुंचा है, तो यानी कि अब बैंकों के पास नहीं आया तो उसको समझ जाना चाहिए कि अब वैसे एसेट जो है परफॉर्म नहीं कर रहे हैं।
साथ ही सब स्टैंडर्ड एसेट होता है, ये वैसे एसेट होता है जो कि एनपीए है वो भी लेस देन या फिर इक्वल टू 12 मंथ, यानी कि एक साल तक अगर वो एनपीए है तो उसको हम लोग सब स्टैंडर्ड एसेट कहते हैं। वहीं अगर डाउटफुल एसेट है, यानी कि डाउट हो गया कि 12 महीने तक जो है इस तरीके के सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में है, लेकिन अगर वो ऐसा डाउट हो जाता है ना कि अब ये लोन वापस आने वाला है कि नहीं आने वाला है, तो आने वाले पे ठीक है, लेकिन नहीं आने वाले पे अगर डाउट हो गया तो इसको हम लोग डाउटफुल एसेट के अंदर में रख देंगे। लॉस एसेट है, एक तरीके का एसेट है जहाँ पे लॉस हो चुका है। बैंक ये समझ जाते हैं ना कि इंटरनल और एक्सटर्नल जो ऑडिटर होते हैं या फिर आरबीआई इंस्पेक्शन होते हैं, इन सब के तरफ से ये समझ में आ जाए कि हाँ इतना पैसा अब लॉस हो गया, तो उसको लॉस एसेट के अंदर रख दिया जाता है। तो इतने तरीके के क्लासिफिकेशन है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट आते हैं एनबीएफसी को, यानी कि नेशनल बैंक फाइनेंस कंपनीज़ को कैसे यहाँ पर रेगुलेट किया जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पेचीदा एक टॉपिक है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। रिसेंटली आरबीआई के द्वारा अप्रोच किया गया है कि जो रेगुलेटरी अप्रोच है वो भी एनबीएफसी का, उसको थोड़ा शिफ्ट करेंगे। तो डिफरेंस देख लेते हैं पहले बैंक और एनबीएफसी के बीच में होता क्या है। तो यहाँ पे अगर हम लोग पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखें डिमांड डिपॉजिट का, तो आप अगर आपके पास अगर कुछ पैसे हैं, जैसे मान लीजिए कि 1000 रुपीज़ है, आप चाहते हो कि इसको सेव कर दे, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप अपने घर में रख लो या तो बैंक में रख लो। तो अगर आप बैंकों में रख सकते हो तो इसको सिर्फ आप बैंक में रख सकते हो, कोई भी एनबीएफसी में जाकर आप डिपॉजिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यानी कि एनबीएफसी जो है वो डिपॉजिट करने का यहाँ पे आपको प्रोविज़न नहीं देता है, सिर्फ बैंक देता है। सेकेंड है कि ड्रॉइंग अ चेक, यानी कि आप चेक इशू कहाँ से कर सकते हैं। तो चेक इशू जो है आप बैंक में जाकर फ्रीली करा सकते हो, लेकिन आप चेक इशू जो है एनबीएफसी से नहीं करा सकते हो। नेक्स्ट है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी, यानी कि आप जो डिपॉजिट कर रहे हो उसका इंश्योरेंस देना, जितना भी आपके बैंक में अकाउंट आपका अमाउंट होगा, आपका अगर बैंक डिफॉल्ट कर जाता है ना, तो आपको कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ या फिर 1 लाख 2 लाख इस तरीके का एक रहता है लिमिट कि आपको वो पैसे मिल ही जाएंगे। तो ये क्या होता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस होता है, लेकिन इस तरीके का जो है नहीं अवेलेबल है हमारे एनबीएफसी में। साथ ही एक्ट फॉर रेगुलेशन है, कानून कौन कौन है जिसके तहत एनबीएफसी या फिर जो बैंक है वो काम करते हैं। तो एनबीएफसी काम करते हैं कंपनीज एक्ट 1956 के तहत, इसके अंदर जो भी प्रोविजन है वो यहाँ पे फॉलो किया जाता है एनबीएफसी के द्वारा। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, इसके तहत सारे बैंकों को इस तरीके का रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना होता है। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन एनबीएफसी एंड बैंक्स। ओके, अब यहाँ पे एनबीएफसी के बारे में कुछ डिटेल में समझते हैं। एक्चुअली एनबीएफसी एक कंपनी है जिसको कि कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर किया गया था। और ऐसी कंपनीज जो कि लोन के बिजनेस में या फिर एडवांसेस के बिजनेस में, शेयर हो गया, स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, डिबेंचर हो गया, सिक्योरिटीज़ हो गया, जो भी यहाँ पे सरकार के द्वारा या लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा या फिर कोई और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ के द्वारा यहाँ पे इशू किया जाता है, तो उन सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। जैसे कि उसका नेचर क्या है, लीज़ कैसे करना है, हायर परचेज़ कैसे करना है, या फिर इंश्योरेंस बिजनेस कैसे यहाँ पे रखना है, तो इन सारे पॉइंट पे यहाँ पे जो है ये मैनेज करते हैं। कुछ और भी देखते हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनबीएफसी कहा जा रहा है। तो एनबीएफसी में आप देखो कि यहाँ पे कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं इंक्लूड होता है जिसका प्रिंसिपल बिजनेस जो है, चाहे वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो, इंडस्ट्री एक्टिविटी हो, या फिर कोई सामान को गुड्स और गुड्स को यहाँ पे सेल या परचेज़ करना है, अदर देन सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ को भी हम लोग सेल परचेज़ करते हैं, जी से कहते हैं इसे, लेकिन उसके अलावा अगर कोई सामान को सेल और परचेज़ करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है एनबीएफसी के अंदर नहीं आता है। एनबीएफसी में भी आप देखो कि इसको कैटेगराइज़ किया गया है इन टर्म ऑफ टाइप ऑफ लाइबिलिटी, जो कि डिपॉजिट और नॉन डिपॉजिट है, जो कि यहाँ पे एनबीएफसी एक्सेप्ट करती है। नॉन डिपॉजिट जो यहाँ पे एनबीएफसी है, ये इनके साइज़ के अकॉर्डिंग होता है, जो भी आप देखो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एंड अदर जो नॉन डिपॉजिट होल्डिंग कंपनीज़ है, वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि दो तरीके का होता है कि वो किस तरीके का काम करते हैं और कैसे वो कंडक्ट करते हैं। मेजर कैटेगरीज़ आप देख सकते हो कि एनबीएफसी में क्या है, तो एसेट फाइनेंस कंपनी भी है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ भी है जो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है, लोन कंपनी भी है जो कि लोन प्रोवाइड करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है जो कि आप देख सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए है, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ है। तो ये सारे कुछ ऐसे कंपनीज़ हैं जो कि आज के डेट में मेजर कैटेगरी है एनबीएफसी का। ये जो कंपनीज़ है ये एनबीएफसी लाइसेंस लेती है आरबीआई के साथ, बट इसको रेगुलेट किया जाता है डिफरेंट एजेंसीज़ के द्वारा, जो कि यहाँ पे आप देखो कि इस फिगर में आपको आगे देखने को मिलेगा। क्यों आज के डेट में हमें ज़रूरत पड़ रहा है कि जो रेगुलेशन है एनबीएफसी का वो चेंज करें, क्योंकि एक थीमेटिक रिस्क निकल कर आ रहा है। आपको पता है कि बहुत बड़ी कंपनी थी ILNFS कंपनी, ये क्या हुआ ना कि अचानक से ये इंसॉल्वेंट हो गई, दिवालिया निकल गया, इतना ज़्यादा ह्यूज डेट में थी कि ये कोलैप्स कर गया। इसके कोलैप्स करने से हमारे जो आरबीआई के अंदर जो रेगुलेटिंग सिस्टम है और जिस तरीके से हमारी एनबीएफसी काम कर रही है, ये जो ILNFS है, ये बहुत बड़ी एनबीएफसी थी, ये सडन कोलैप्स कर गया, कोई सोचा भी नहीं था। और रिपोर्ट में भी इनकी जो पोजीशन थी, परफॉर्मेंस थी, वो अच्छा दिखाया जाता था। तो इस तरीके का जब केस सामने निकल कर आता है और
दूसरा है DHFL क्राइसिस के बारे में। तो ये जो दो केस निकल कर आया, इससे RBI को ये समझ में आया कि अब ये टाइम आ चुका है कि NBFC को जो रेगुलेट करने का हमारे यहाँ मेकानिज्म है वो बहुत पुअर है, उसको कहीं ना कहीं रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप देखो कि नेक्स्ट है कि लार्ज NBFC को ये अलाउ किया जाएगा कि वो बैंक बन जाए, तो ये भी एक बात की जा रही है। साथ ही फिनटेक सेक्टर्स का भी बहुत इमर्जेंस हो रहा है। सो दीज आर द कॉमन थ्री रीजंस कि क्यों हम लोग जो है NBFC को यहाँ पे रेगुलेट करना चाह रहे हैं। तो फिनटेक कंपनीज जैसे कि आप देखो स्टार्टअप्स बहुत ग्रो हो रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे ज़रूरत है। बहुत सारे NBFC ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं, उनका टर्नओवर बहुत अच्छा है, तो इसलिए ये भी सोचा जा रहा है कि उनको बैंक जैसा कन्वर्ट कर दिया जाए। और इस तरीके का जो क्राइसिस हो रहा है उसको देखते हुए लगता है कि अब रेगुलेट करना ज़रूरी है। तो क्या क्या चेंजेस यहाँ पे RBI के द्वारा बताया जा रहा है। तो सबसे पहले RBI के द्वारा बोला गया कि 4-लेयर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए, इस तरीके का 4-लेयर। अब इसमें है क्या, सबसे बेस लेयर में NBFC जो है वो यहाँ पे NBFC BL होगा, यानी कि ये बेस लेयर है। मिडिल लेयर में आप देखो तो यहाँ पे NBFC है मिडिल लेयर, उसके बाद आप अगर अपर लेयर देखें और टॉप लेयर देखें, ये चार तरीके का यहाँ पे लेयर बताया गया। अब यहाँ पे बेस लेयर में अगर हम लोग देखें तो ये इक्विवेलेंट होगा, जिसमें कि आपका थ्रेशोल्ड जो है 1000 करोड़ होना चाहिए। और जो मिडिल लेवल में है इसमें आप देखो कि ये इक्विवेलेंट होगा जो ND है, NBFC NDSI और NBFC D है, तो इसी के जैसा आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे अपर लेवल पे देखें तो ये आपका 25 से 30 अपर लेयर NBFC है, जो कि यहाँ पे फिल्टरिंग प्रोसेस के थ्रू बताया जाएगा। न्यू कैटेगरी है, बैंक लाइक रेगुलेशन यहाँ पे होगा। और टॉप लेयर में तो आप समझ सकते हो कि ये इम्पिटी टॉप लेयर है जो कि अभी तक खाली है, यहाँ पे सुपरवाइज जो किया जाएगा एक डिस्क्रिशनल पावर के साथ, यानी कि मन मौजी पावर के साथ यहाँ पर आपका सुपरवाइज किया जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे NPA को भी क्लासीफाई किया गया है। NPA जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसको भी यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है कि 180 से 90 डेज तक जो ओवर ड्यूज है उसको हम लोग NPA कह सकते हैं। ये तो बात हो गई, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी ये समझना है कि कैसे कैसे NBFC को रेगुलेट किया जाता है, तो इसके तरफ थोड़ा सा नज़र डाल लीजिए। आप देखिए यहाँ पे सेक्शन 3 है कंपनीज एक्ट 1956 के तहत, जिसमें कि तीन बातें रखी गई कि वो सारे NBFC जो कि RBI के साथ रजिस्टर्ड है, और NBFC जो कि दूसरे रेगुलेटर के द्वारा जो है यहाँ पे रेगुलेट किया जाता है। जैसे NBFC जो RBI के साथ रजिस्टर्ड है ना, यहाँ पे RBI ही रेगुलेट करती है, सुपरवाइज करती है, इन्फोर्स भी किया जाता है। लेकिन दूसरे टाइप की भी है, जैसे आप देखो कि हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, इसको कौन यहाँ पे रेगुलेट या सुपरवाइज करते हैं, तो ये है हाउसिंग फाइनेंस, आपका नेशनल हाउसिंग बैंक है। उसके अलावा SEBI भी है यहाँ पे रेगुलेटर, जो कि किसको उसको रेगुलेट करती है, तो मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज़ है, वेंचर कैपिटल फंड है, कंपनीज़ है, स्टॉक ब्रोकिंग है, तो ये सारा चीज़ जो होता है वो SEBI के अंडर होता है। MCA भी है, ये निधि कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनीज़, ये सब जो है इन्हीं के अंदर आता है। स्टेट गवर्नमेंट है जो कि चिटफंड कंपनीज़ को यहाँ पे देखती है। IRDA है जो कि इंश्योरेंस कंपनीज़ को ये देखते हैं। तो ये सारी कुछ आपको अलग से देखने को मिलेगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में अगर हम लोग देखें, ये एक और भी कैटेगरी होता है जिसको हम लोग नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंस कंपनी कहते हैं, ठीक है। ये सब तो NBFC है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, लेकिन नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंस कंपनी में अगर हम लोग देखें तो इसमें कौन रेगुलेट करते हैं, तो ये अलग से आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स देखने को मिलेंगे, विच इज़ वेरी यूनिक, तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि पूरा हलवा यहाँ पे एकदम कचड़ा बना हुआ है कि NBFC बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक सिंपल और एकदम से सरल, एक आप समझ सकते हो कि एक सरल यहाँ पे रहे, जैसे कि सारे बैंक जो है कमर्शियल स्कीड्यूल बैंक जो है वो एक बकायदा कानून के तहत काम करते हैं, RBI एक्ट 1949 के तहत, और RBI है जो उसको रेगुलेट करती है। तो एक अच्छा तरीके का आप देखो कि सुपरवाइज भी किया जाता है, रेगुलेट भी किया जाता है, लेकिन NBFC इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में, जिसको SEBI भी यहाँ पे रेगुलेट कर रही है, MCA भी है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी है, नेशनल बैंकिंग हाउस यहाँ पे नेशनल हाउसिंग बैंक भी है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ अगर यहाँ पे रेगुलेट करें तो कहीं ना कहीं इस तरीके का प्रॉब्लम ज़रूर अराइज होगा। फाइन, अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि है स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम्स फॉर NBFC और HFC। तो इसके बारे में देखते हैं, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान लाया गया है, इसका अगर हम लोग पार्ट देखें तो स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम्स हैं NBFC और यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ के लिए, जो कि अप्रूव किया गया था लास्ट मंथ ही। और RBI जो है कि अब यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखे कि इन सारे लेंडर्स को, कि वो कैसे यहाँ से फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक चीज समझिए कि व्हाट इज़ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में कुछ छोटी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, जैसे कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे आपका जो है हाउस के लिए यहाँ पे फाइनेंस करने के लिए कंपनी बनाई गई है, और कंपनी है तो कंपनीज एक्ट 1956 के तहत इसको रजिस्टर किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की बात करें तो ये NBFC है जिसको RBI रेगुलेट करती है।
2019 में अगर देखें तो HFC जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, इसकी रेगुलेशंस जो है ये हैंडेड ओवर किया गया था RBI को, वो भी नेशनल हाउसिंग बैंक से। तो ये 2019 में ही किया गया है। रिसेंटली आप देखो तो RBI के द्वारा न्यू रूल्स लाया गया है यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ के लिए, जिसमें कि इनकी डेफिनेशन को चेंज किया गया है और कैसे यहाँ पे फाइनेंसिंग लेवल को रेगुलेट करना है, ये सारी बातें इसके अंदर रखी गई हैं। अब स्कीम के बारे में अगर हम लोग देखें तो RBI के द्वारा एक स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम्स को अनाउंस किया गया है, वो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के लिए या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ के लिए और एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू। तो यहाँ पे इस स्कीम का एम यही है कि जितने भी NBFC है या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उसको काफ़ी हद तक हेल्प करना है, जिससे कि जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो इम्प्रूव हो पाए और कोई तरीके का अगर रिस्क निकल कर आता है इस तरीके के फाइनेंशियल सेक्टर में तो उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर मैनेज किया जा सके। स्पेशल पर्पस व्हीकल की अगर बात करें तो ये क्या करते हैं ना कि शॉर्ट टर्म पेपर्स को जितने भी एलिजिबल NBFC है या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, अगर उनकी डेट 30,000 करोड़ है ना, तो उनकी इस पेपर को वो खरीद लेते, परचेज कर लेते स्पेशल पर्पस व्हीकल, और फिर उसको ये इसके प्रोसीड को वो यूटिलाइज करते हैं और ये काम यहाँ पे स्पेशल पर्पस व्हीकल में किया जाता है। यानी कि परचेज़ कर लेते शॉर्ट टर्म पेपर, जो कि एलिजिबल जितने भी यहाँ पे हैं जिनका कर्जा इतना है वही यहाँ पे ख़रीद सकते हैं। एलिजिबिलिटी अगर हम लोग देखें तो ये जो NBFC और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ हैं, इनमें अगर नेट नॉट परफॉर्मिंग एसेट अगर आप देखोगे तो 6% से कम नहीं होना चाहिए। नेट प्रॉफिट अगर हम लोग एटलीस्ट वन ऑफ द लास्ट टू प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में देखें, या फिर नॉट रिपोर्टेड अंडर SMA और SM2 कैटेगरी, वो भी लास्ट वन ईयर से, जो कि आपका 1 अगस्त 2018 में कहा जा रहा है, तो वो सब यहाँ पे एलिजिबिलिटी है। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स बताए जा रहे हैं जिसको आप लोग को ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कहा जा रहा है कि NBFC का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या फ़ायदा है NBFC से। NBFC से आप देखो कि बैंक में लोन लेना थोड़ा सा अब दिक्कत हो जाता है, तो ये अगर आप लोग को लोन लेना है ना और बैंक में दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग बिना दिक्कत किए हुए कम पेपर के डिमांड से आप लोग NBFC से लोन ले सकते हैं। साथ ही NBFC इतनी सारे हैं कुकुरमुत्ता भाती आपको देखने को मिलेंगे कि बहुत सारे आपको NBFCs है, तो वो क्या करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी हेल्प करते हैं, साथ ही लॉन्ग टर्म क्रेडिट भी यहाँ पे देते हैं, कैपिटल फॉर्मेशंस भी अच्छे तरीके से होता है, फंड और रिसोर्सेज को वो मोबिलाइज भी करते हैं, और एक आप देखो कि फॉरेन ग्रांट्स को भी अट्रैक्ट करते हैं और फाइनेंशियल मार्केट को भी डेवलप करते हैं। तो ये सारे काम है कुछ और सिग्निफिकेंस इससे फ़ायदा भी होता है, तो इसलिए इस तरीके का NBFC एग्जिस्ट कर रहा है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्यों NBFC एग्जिस्ट करता है, तो उसका रीज़न भी ये है, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी है जो आपको बैंक प्रोवाइड नहीं करती है ना, तो उसका एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव NBFC को कहा जाता है। दूसरे मेजर्स अगर हम लोग देखें जो कि NBFC सेक्टर को मदद करते हैं, तो वो है यहाँ पे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। तो ये है क्या, इसमें एडिशनल फंडिंग दिया जाता है up to 3 lakh crore जितने भी एलिजिबल MSME हैं, यानी कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइसेस हैं, या फिर जो मुद्रा बोरोवर है ना, उनको यहाँ पे गारंटेड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फैसिलिटी दिया जाता है। गारंटेड इमरजेंसी भी है, मान लीजिए कि जो MSME है, MSME के अंदर जिनका भी उद्योग है, अगर वो कोई नया बिजनेस और कुछ नया करना चाहते हैं तो उनको पैसे की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे क्या है कि बैंकों से जाके वो पैसे ले लेते हैं, लेकिन अलग से उनका प्रोविज़न रखा गया है कि अगर वो इमरजेंसी में इस तरीके से बोरो कर रहे हैं और वो एक पर्टिकुलर समय के बाद वो अगर इसको रिपेमेंट करने के लायक नहीं है, अपने लोन को रिपेमेंट करने के लायक नहीं है, तो उनकी जो है ना पूरी की पूरी गारंटीड है कि पूरी की पूरी क्रेडिट जो है ना वो यहाँ पर सरकार के द्वारा दे दिया जाएगा। इस स्कीम के क्या है कि अंदर क्या है कि 100% गारंटीड कवरेज लिया गया है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के द्वारा, वो भी बैंकों का, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। NBFC जो है अगर किसी भी तरीके का लोन सफ़र करती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी आप देखो कि लोग हैं जो कि अपना नॉन रिपेमेंट करते हैं, तो इसीलिए उनके लिए यहाँ पे बनाया गया है। तो मेनली आप देखो कि ये जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, ये मेनली जितने भी MSME या फिर मुद्रा के तहत जो बोरोवर है उनके लिए यहाँ पे स्पेशली लाया गया है। फिर उसके बाद आपका सेकंड क्या है कि पार्शियल क्रेडिट जो यहाँ पे गारंटी स्कीम है उसको अप्रूव किया गया है। ये पार्शियल क्रेडिट अगर गारंटी स्कीम देखे तो 2019 में ही लॉन्च किया गया था, जिसमें कि जो सॉवरेन गारंटी है उसको ऑफर किया जा रहा है। सरकार के द्वारा ये प्रॉमिस किया गया है कि वो लाइबिलिटी यहाँ पे डिस्चार्ज करेंगे इन द केस ऑफ डिफॉल्ट, और वो भी अप टू कब तक, तो 10% ऑफ फर्स्ट क्लॉज, और फिर उसके बाद जो PSP से हुआ है, फिर यहाँ पे परचेज करेंगे एसेट जिसको कि BBB+ दिया जा रहा है या फिर इससे ऊपर दिया जा रहा है। और यहाँ पे आप देखो कि इस प्रोसेस को एक्सटेंड भी किया जाएगा NBFC में और HFC में और जो भी यहाँ पे SMA A1 कैटेगरी में है। ठीक है,
तो स्पेशल मेंशन अकाउंट जिसमें कि वन कैटेगरी है, यानी कि यहाँ पे टाइम दिया जा रहा है 60 डेज़ का, ओके। एसएमए 0 जो है वो 30 डेज़ का, एसएमए 1 जो है वो आपका 60 डेज़ का, एसएमए 2 कैटेगरी जो है वो 90 डेज़ का है। तो उनको यहाँ पे मौका दिया जा रहा है कि पार्शल क्रेडिट गारंटी स्कीम्स आप यहाँ पे इसके तहत आप लोन ले सकते हो। तो इसमें क्या है कि पार्शल क्रेडिट है, यानी कि 50-50% जो है सरकार यहाँ पे गारंटी देती है कि वो पे बैक कर देंगे। तो ये दोनों को आपको ध्यान रखना है कि एनबीएफसी सेक्टर्स को भी यहाँ पे मदद करने के लिए रखा गया है। नेक्स्ट आते हैं इन्फ्लेशन टारगेट। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई, यानी किसी भी सामान का अगर सप्लाई कम हो जाए तो मार्केट में डिमांड अगर बढ़ जाए तो उसकी ऑब्वियस है कि दाम बढ़ जाते हैं। जैसे आप देखो ओनियन एक सबसे अच्छा तरीका है इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट को समझने का। आप देखते हो कि जब भी सप्लाई कम हो जाता है और मार्केट में ओनियन की जो पहुंच है वो बहुत कम हो जाती है, कुछ ही लोग ओनियन खरीद पाते हैं, तो उस समय क्या होता है ना कि लोग जो है उसका दाम बढ़ा देते हैं। इसको ब्लैक होर्डिंग कहते हैं। तो इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। मार्च 2021 में जो इन्फ्लेशन टारगेट है रिजिम हमारा इंडिया का, वो 5 साल पूरा कर लेगा। अब देखते हैं कि क्या बातें किया जा रहा है। तो कैसे जो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क हमारे इंडिया में ऑपरेट करता है? तो आईटी फ्रेमवर्क है हमारे इंडिया में जिसको इनिशिएट किया गया है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग एग्रीमेंट जो कि 2015 में हुआ था, और फर्दर फिर इसको जो है अमेंडमेंट करके लाया गया था 2016 में। ये जो एक्ट है इसमें रखा गया था कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अपना गोल बनाएंगे कि प्राइस को कैसे स्टेबल रखना है। प्राइस स्टेबल कर रखना है यानी कि इन्फ्लेशन भी टारगेट, इन्फ्लेशन का टारगेट अचीव होगा। और एक चीज़ अपने ऑब्जेक्टिव अपने दिमाग में रखना है कि ग्रोथ की तरफ लेकर जाना है, ग्रोथ की तरफ भी लेकर जाना है हमारे इंडियन इकोनॉमी को, और साथ ही साथ जो चीज़ों की प्राइस है उसको भी स्टेबल करके चढ़ना है। तो इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाया गया जो कि यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 को अमेंड करके, और इसके अंदर टोटल 6 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। 3 इंटरनल होते हैं और 3 एक्सटर्नल होते हैं। 3 जो इंटरनल होते हैं उसमें कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर होते हैं और वो यहाँ पे इंटरनल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं। साथ ही डिप्टी गवर्नर भी होते हैं जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के चार्ज में हैं, और वन ऑफिसर होते हैं आरबीआई में जिनको कि सेंट्रल बोर्ड जो कि आरबीआई का है उसके तहत इसको नॉमिनेट किया जाता है। एक्सटर्नल मेंबर कौन होते हैं? तो वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं जिसमें से 3 जो है आरबीआई के अंदर के होते हैं और 3 जो है वो यहाँ पे सरकार के द्वारा लाए जाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करें तो इंटरेस्ट किया गया है इसको कि यहाँ पे एक टास्क है कि पॉलिसी रेट को यहाँ पे फिक्स करना है जिससे कि जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो हम लोग यहाँ पे अचीव कर सके। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है यूपीएससी में, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो कल मैं उसका प्रैक्टिस करा दूंगी। इस कानून के तहत क्या है कि ईयर ऑन ईयर चेंजेस होना चाहिए जो हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। ये सीपीआई डब्ल्यूपीआई एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, देखती हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको समझा देती हूँ। सीपीआई यानी कि इन्फ्लेशन टारगेट को मेज़र करने के लिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है यानी कि हम जैसे कंज्यूमर कितना खाते हैं, कितना कंज्यूम करते हैं, तो एक एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर इसको मेज़र किया जाता है। ये जो टारगेट है इसको फिक्स किया गया था 4% में, और अपर और लोअर जो टॉलरेंस लेवल है वो 2% है, यानी कि 4% यहाँ पे रहेगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना है तो +2 बढ़ेगा यानी कि 6% यहाँ पे इन्फ्लेशन होना चाहिए, और कम से कम अगर आप देखो तो ये -2 में जाएगा जो कि यहाँ पे 2% होगा। तो ये एक तरीके का टारगेट फिक्स किया जाता है कि ना ही इन्फ्लेशन ज़्यादा हो, ज़्यादा बढ़े भी तो +2 में, और कम बढ़े भी, कम घटे भी तो इन्फ्लेशन -2 में। ये जो टारगेट है ये हर एक 5 साल में रिवाइव किया जाता है। और इस कानून में आप देखो तो कुछ यहाँ पे मैंडेट किया गया है कि कैसे यहाँ पे काम करेंगे इस कमेटी में। तो पॉलिसी रेट है जो कि इन्फ्लेशन टारगेट से थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इसको मेजोरिटी वोटिंग से यहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है। जैसे टोटल 6 मेंबर हैं और यहाँ पे जो चेयरमैन है वो यहाँ पे तभी वोट करते हैं जब यहाँ पे टाई अप हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि अगर मान लीजिए कि 4 मेंबर यहाँ पे प्रेजेंट है और फोर यहाँ पे जो है वो 2-2 यहाँ पे 4 के लिए और 2 अपोजिट के लिए यहाँ पे वोट करते, तब जाकर यहाँ पे जो 5th मेंबर होंगे वो यहाँ पे कास्टिंग वोट यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें भी होती है, नहीं तो यहाँ पे आप देखो कि चेयरमैन के पास कास्टिंग वोट है यानी कि जब टाई हो जाता है तभी वो वोट देते, तो रेस्ट ऑफ द जो 5 मेंबर्स है वो जैसे वोट करेंगे तो 3:2 होगा, 1:4 होगा, तो इस तरीके का जो भी होगा। तो मेजोरिटी वोटिंग से यहाँ पे डिसाइड होगा कि पॉलिसी रेट क्या होने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पे ज़रूरी है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उनको एटलीस्ट 4 times, एक साल में 4 बार तो मीटिंग करना ही है। आरबीआई के द्वारा आप देखो कि एक पब्लिश किया जाता है मिनट ऑफ द एमपीसी मीटिंग और रेजोल्यूशन जो भी अडॉप्ट किया जाता है। आप हर बार देखोगे कि एक, मुझे लगता है कि हर एक क्वार्टर के बाद जो है ना एमपीसी मीटिंग होती है, और इनके बाद हम लोग को बताया जाता है कि क्या टारगेट होने वाला है, कितना रेपो रेट होने वाला है, कितना रिवर्स रेपो रेट होने वाला है, ये सारी चीज़ों के बारे में ये बताते हैं। तो आरबीआई को एक रिपोर्ट पब्लिश करना है और मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, और एक साल में 2 बार करना है जिसमें कि उनको सारी डिटेल्स बातें यहाँ पर बतानी है। और अगर वो फेल्योर हो जाते हैं, अपने इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने में फेल्योर हो जाते हैं, तो इस कानून के द्वारा ये भी है कि आरबीआई यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगी कि रीज़न क्या है फेल्योर होने का,
क्या रीज़न है कि वो इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, या फिर इसका रेमेडियल एक्शन क्या है अगर इन्फ्लेशन हमारे यहाँ महंगाई बहुत बढ़ गया हो। जैसे आप देखो कि प्याज की जो रेट है अब वो घट के 20 रुपीज़ पर केजी में आ गई है, और आज की डेट है यहाँ पे 5th of April, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कल जाएगा 6th of April को, तो इसलिए ऐसा नहीं कि आप लोग एक दो महीने के बाद भी देखो और प्राइस अगर बढ़ जाए तो जून महीने में तो आपको भी लगे कि अच्छा आज ही 20 रुपीज़ है। नहीं, 20 रुपीज़ मैं आज की डेट में बता रही हूँ, 5th of April के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो देखिए इतना कम हो चुका है, तो सबको अवेलेबल है, क्योंकि सप्लाई बढ़ चुका है तो डिमांड घट, डिमांड भी बढ़ चुका है तो ऐसे घट जाता है। अगर सप्लाई है डिमांड भी है तो प्राइस इतना बढ़ता नहीं है। तो इसलिए आप देखते हो कि सरकार हमेशा कहती है कि गुड्स और सर्विसेज़ की जो यहाँ पे सप्लाई और डिमांड है वो मैनेज होना चाहिए, तभी हमारा अर्थव्यवस्था जो है सही रहता है। तो इस चीज़ के बारे में रेमेडियल सॉल्यूशंस बताना होगा, साथ ही एस्टिमेट बताना होगा टाइम कि कब तक इन्फ्लेशन टारगेट को फिर से अचीव किया जा सकता है। तो ये भी बात है कि अगर इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव नहीं किए तो RBI को यहाँ पे गवर्नर सरकार को बताना होगा कि हम लोग फेल हो गए इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने में, और विथ रीज़न, विथ प्रूफ। ऐसे ही नहीं कि मुंह उठा के चले गए और कुछ भी बोल दिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। कुछ इससे रिलेटेड न्यूज़ भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है वो यहाँ पे बेस ईयर को रिवाइज़ किए, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना वो भी इंडस्ट्रियल वर्कर का, तो उसका बेस ईयर यहाँ पे रिवाइज़ किया गया। तो बेस ईयर का क्या मतलब होता है? बेस ईयर का मतलब होता है कि एक ऐसा ईयर फिक्स कर दो, जैसे कि मान लीजिए कि 2016 यहाँ पे बेस ईयर फिक्स कर दिया गया। अब हम लोग कहेंगे कि 2021 में इन्फ्लेशन कितना है, तो यहाँ पे, या फिर ठीक है इन्फ्लेशन कितना है, तो इसको हम लोग किसकी तरफ से मेज़र करेंगे? ये देखेंगे कि 2000 के कंपेयर में कि अच्छा 2021 की इन्फ्लेशन बढ़ी है कि घटी है, या फिर यहाँ पे CPI जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसकी वैल्यू बढ़ी है कि घटी है। तो एक बेस ईयर होना चाहिए। फिर अगर हम लोग 2022 में देखेंगे तो भी हम लोग कंपेयर करेंगे कब से, 2016 से ही। तो इसको कहते हैं बेस ईयर, ठीक है। बेस ईयर यहाँ पे रिवाइज़ किया गया है 2016, वो भी पहले कितना था, 2001 था, ठीक है। CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सारे इंडस्ट्रियल वर्कर हैं जो कि इंडस्ट्री में काम करते हैं और 7 सेक्टर में काम करते हैं, जैसे वो फैक्ट्री हो गया, माइंस हो गया, प्लांटेशन हो गया, रेलवे हो गया, पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो गया, या डिस्ट्रीब्यूशन एस्टैब्लिशमेंट हो गया, या फिर पोर्ट या फिर डॉक्स है। ये सब जगह जो भी काम करते हैं इंडस्ट्री में वर्कर, उनके लिए यहाँ पे देखा जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ठीक है। रिविजन अगर हम लोग बेस ईयर का देखें तो इससे क्या होगा, इससे कंजप्शन पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है। आप समझिए कि 2001 में क्या ज़माना था, उस समय जो है मुझे लगता है कि वो ब्लैक एंड वाइट वाली फ़ोन थी। आज की डेट में आप देखो कि एंड्रॉयड के बिना तो कोई इंसान चलता नहीं है, 2 मिनट भी जीता नहीं है। सोते सोते भी आपको फ़ोन देखना होता है, जब भी अगर थोड़ा सा नींद खुलता है तो सबसे पहले फ़ोन ही आप ढूंढते हो और देख लेते हो कि कुछ मैसेज वगैरह है या नहीं, या फिर कुछ भी, ठीक है। तो ये क्या है, हो गया कि हम लोग एकदम अलग से दुनिया में जी रहे हैं। 2001 में तो हम लोग के लिए फ़ोन एक बहुत बड़ी चीज़ थी, पापा के पास आ जाता तो लगता था कि अच्छा ये मोबाइल फ़ोन है, वाओ क्या टेक्नोलॉजी है, उस टाइप का। तो अब हमारा खाने का भी, कंजप्शन करने की भी चीज़ें जो है पैटर्न चेंज हो गई है। उस समय इतना पिज़्ज़ा चाउमीन, पिज़्ज़ा बर्गर इतना ज़्यादा हिट नहीं था, जो आज की डेट में आप देखो कि काफ़ी हिट हो चुका है। तो इसीलिए कंजप्शन पैटर्न भी लोगों का चेंज हो चुका है। आज के डेट में लोग जो है ना ज़रूरत से ज़्यादा ये एक्स्ट्रा चीज़ वगैरह खाकर जो है ये ज़्यादा कंज्यूम करते, उस समय नहीं था जोमेटो, ये जब से ये सब आया है तो ये सारी चीज़ों की जो कंजप्शन से वो बढ़ चुकी है, और लोगों का खान पीन सब कुछ जो लाइफस्टाइल है वो भी चेंज हो चुका है 2001 के कंपैरिजन में। तो इसलिए ये ज़रूरी होती है कि इसको टाइम टू टाइम रिवाइज़ करते रहना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो इसको यूज़ किया जाता है इन्फ्लेशन को ट्रैक करने में, यानी कि जो ये CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं इनको यूज़ किया जाता है इन्फ्लेशन को ट्रैक करने के लिए, और एक तरीके का बेंचमार्क यहाँ पे सेट कर दिया गया है कि क्या यहाँ पे डियरेंस अलाउंस को कैलकुलेट किया जाएगा। कुछ यहाँ पे भत्ते भी मिलते हैं सरकार को, सरकार के एम्प्लॉयर्स को, या फिर कुछ पेंशनर को, या फिर जो वेजेस जिस तरीके से यहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्कर को मिलते हैं, तो एक डियरेंस अलाउंस मिलता है, कुछ अलग तरीके का यहाँ पे फैसिलिटी दी जाती है, तो उसको भी यहाँ पे देखा जाता है कि क्या कैलकुलेट करना है। नेशनल लेवल पे अगर हम लोग देखें तो 4 तरीके के CPI नंबर है। सबसे पहला तो अभी आपने देख लिया इंडस्ट्रियल वर्कर, कुछ CPI जो है एग्रीकल्चर लेबरर्स के लिए होते हैं, कुछ CPI यहाँ पे रूरल लेबरर्स के लिए होते हैं, और कुछ CPI यहाँ पे अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयर्स के लिए होते हैं। तो ये 4 तरीके का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसको ध्यान रखना है। वाइल जो फर्स्ट 3 है इसको लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे आपका टैकल किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए, बहुत कंफ्यूजिंग भी है। टोटल 4 तरीके का है, लेकिन जो फर्स्ट 3 है यानी कि आपका इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर्स, ये सब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा देखा जाता है, और इन्हीं के द्वारा इसका रिपोर्ट भी पब्लिश किया जाता है। लेकिन जो CPI अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयर्स है, इनकी जो रिपोर्ट पब्लिश करती है वो यहाँ पे CSO के द्वारा किया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत आते हैं, ठीक है। तो ये बातें इतनी फैक्चुअल बातें हैं, तो इसको आपको समझना ज़रूरी है, इसको याद करना ज़रूरी है।
अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा बॉक्स है कि क्यों सीपीआई को यहाँ पे चूज़ किया जाता है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो यहाँ पे इन्फ्लेशन लेवल को मेज़र करते हैं और हर एक लेवल पे देखते हैं, यानी कि हम एक इंसान जो है कितना खर्च कर सकते हैं कंज्यूम करने के लिए। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास कितनी पैसे हैं और मैं मेरे पास कितने खर्च करने की कैपेसिटी है, तो हर एक कंज्यूमर का अपना अलग अलग है। तो कंज्यूमर के बेसिस में ही देख लेते हैं। पहले क्या था कि होलसेल प्राइस देखा जाता था, होलसेल प्राइस इंडेक्स देखा जाता था। इसमें क्या होता है कि जो थोक पे सामान आते हैं और उसी के बेसिस पे ये जज कर लिया जाता था। लेकिन होलसेल में क्या था ना कि सिर्फ सामान का ही के बेसिस पे मेजर किया जाता था, सिर्फ गुड्स के मेजर्स पे किया जाता था, लेकिन उसमें सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया गया था। सीपीआई में क्या है कि आपको गुड्स भी देखने को मिलेगा, सर्विस को भी देखने को मिलेगा और कंज्यूमर का देखने को मिलेगा। हर एक इंडिविजुअल के लेवल पे यहाँ पे मेजर किया जाता है इन्फ्लेशन को। तो ये बात यहाँ पे आ गई। सीपीआई अगर देखें तो कंज्यूमर बास्केट बेटर तरीके से यहाँ पे दिखाते हैं अगर डब्ल्यूपीआई के कंपैरिजन में देखें। सीपीआई अगर देखें तो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कितना प्राइस मूवमेंट हो रहा है सर्विस सेक्टर में, क्योंकि यहाँ पे सर्विस को भी इंक्लूड किया गया है। लेकिन ये चीज़ें लैक थी डब्ल्यूपीआई में। डब्ल्यूपीआई में सिर्फ सामान, वो भी होलसेल में जितने सामान आ रहे हैं ना, उसको मेजर करके बताया जाता था कि हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन कितना है। तो उससे एक्यूरेसी निकल कर नहीं आता था। अब हर एक इंसान का यहाँ पर देखा जाएगा कि कितना कंज्यूम कर रहे हैं हम लोग, कितना गुड्स सामान खरीद रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितना पचा रहे हैं, तो उससे जो है एक्यूरेसी ज़्यादा निकल कर आता है इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने के लिए। सीपीआई में आप देखो तो फूड इन्फ्लेशन भी इंक्लूड है, यानी कि ये क्रिटिकल पार्ट हो गया प्राइस स्टेबिलिटी का। खाने में ही आप देखो कि सबसे ज़्यादा जो है इन्फ्लेशन भागता है। कभी आलू की प्याज दाम बढ़ जाएगी, कभी प्याज की दाम बढ़ जाएगी, कभी कुछ सामान जैसे आप टोमेटो भी देखोगे कि कुछ ऐसा सीज़न आता है जब टोमेटो 60 रुपीज़ 70 रुपीज़ पर के जी चला जाता है, और कभी ऐसा आता है कि 10 रुपीज़ पर के जी रहता है। तो ये खाने पीने का सामान में जो है ना ज़्यादा इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलता है, इसलिए सीपीआई की तरफ यहाँ पर ये बढ़े हैं। ठीक है, तो ये सारी कुछ यहाँ पर चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं कि और भी कुछ की डिसीजंस है जो कि यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा लिया गया है। इनके द्वारा कहा गया है कि वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग किया जाएगा लोन का बिना उनको एनपीए में क्लासिफाई किए हुए, यानी कि 90 डेज तक अगर कोई भी लोन रिकवर नहीं होता है तो उनको एनपीए में क्लासिफाई कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि एनपीए में क्लासिफाई करने से पहले एक बार कोशिश करेंगे उसको रीस्ट्रक्चर करने का। तो रीस्ट्रक्चर एक तरीके का प्रैक्टिस है जिसमें कि बैंकों को अलाउ किया जाएगा कि आप अपने जो टर्म्स ऑफ लोन है उसको मॉडिफाई करो, यानी कि ऐसे मॉडिफाई करो कि आपका जो स्ट्रेस जा रहा है, फिनेंशियल स्ट्रेस हो रहा है, उसको किसी तरीके से अपने हिसाब से आप टैकल करने का सोचो। बैंक जो है ना वो यहाँ पे बोरोवर को अवॉइड कर सकते हैं और उनको डिक्लेयर भी कर सकते हैं डिफॉल्टर जैसा, ऐसा भी उनको अधिकार दे दिया गया कि आपको लगता है कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि लोन लेकर गए हैं लेकिन वापस नहीं दे सकते, तो उनको डिफॉल्टर भी घोषित कर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्या है, किसको किसको डिफॉल्टर कह सकते हैं, तो सिर्फ उन बोरोवर को कह सकते हैं जो कि क्लासिफाई किया गया है स्टैंडर्ड में, ना कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट किए हैं मोर देन 30 डेज, वो भी किसी भी बैंक में, और 1st of March 2020 में। यहाँ पे क्या है कि पर्सनल लोन इंक्लूड है, जैसे कि ऑटो, क्रेडिट कार्ड, हाउसिंग, पर्सनल लोन, एजुकेशन, कॉर्पोरेट बोरोवर्स, तो ये सब यहाँ पे इंक्लूड है। डिटेल्स अगर हम लोग स्कीम की देखें तो ये यहाँ पे कमेटी के द्वारा बताया जा रहा है, जो कि केवी कामात है वो यहाँ पे हेड कर रहे हैं। अगर पास्ट आरबीआई के द्वारा देखें तो बहुत सारे डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम्स भी लाया गया है कि कैसे यहाँ पे स्ट्रेट जो असेट है, यानी कि जो बैड असेट है, उसको टैकल करें। तो इसमें आप देखो कि 2008-09 में रीस्ट्रक्चरिंग विंडो लाया गया था, कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम आया था, फ्लेक्सिबल यहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग आया था, स्ट्रक्चरिंग यहाँ पे स्ट्रैटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम आया था। तो ये सारे कुछ स्कीम है जो कि ऑलरेडी आरबीआई पहले ला चुकी है, जिसमें कि जो लोन है उसको रीस्ट्रक्चर किया जाए। सेकंड यहाँ पे कि कैसे डिजिटल पेमेंट को बूस्ट करना है, क्योंकि आज के डेट में आप देखो कि डिजिटल पेमेंट ही सबसे ज़्यादा चल रहा है। तो स्कीम्स जो है वो यहाँ पे लाया गया कि ऑफलाइन रिटेल पेमेंट यूजिंग कार्ड एंड मोबाइल डिवाइस। आरबीआई के द्वारा एक पायलट स्कीम को प्रपोज़ किया गया है कि कैसे ऑफलाइन पेमेंट करना है मोबाइल डिवाइस को यूज़ करके या कार्ड को यूज़ करके, और कोई भी चैलेंज अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर आ रहा है या फिर लो स्पीड ऑफ इंटरनेट को लेकर आ रहा है, तो इसको भी टैकल किया जाएगा। पॉजिटिव पे मैकेनिज्म लाई गई है, इट मींस कि यहाँ पे फ्रॉड जितने भी होते हैं ना हाई वैल्यू चेक का, तो उसको रोकना है। और ये मैकेनिज्म जो है वो सारे चेक्स के ऊपर अप्लाई होगा जिनकी वैल्यू यहाँ पे 50,000 या फिर इससे भी ज़्यादा है। तो ये सारी बातें यहाँ पे की जा रही हैं। सो आई थिंक कि आज तक हम लोग को इतना ही रखना चाहिए। कल मैं स्टार्ट करूँगी यहाँ पे मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और विजन आईज़ की टेस्ट सीरीज़ अगर आप लोग को परचेज़ करनी है, जो कि चल रही है, तो rishika.ch77@gmail.com पर आप लोग मेल कर सकते हो। फर्दर आप लोग को जो भी इसके बारे में डिटेल्स है वो बताया जाएगा। तो मिलते हैं कल, आज के लिए बस इतनी। थैंक यू।